हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मक्की की रोटी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम, तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है। ये मैंने मक्की का आटा ले लिया है, देसी घी लिया है और गुनगुना पानी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मक्की के आटे की रोटी बनाना। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं इसके लिए, और आटे के लिए हमने लिया है गुनगुना पानी। पानी ल्यूकवार्म ही यूज़ करें, और पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। पहले हम आटे को पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इकट्ठा कर लेते हैं। हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। फ्रेंड्स, यदि आप ज़्यादा रोटियां बना रहे हैं तो सारा आटा एक साथ ना गूंधे, एक या दो रोटी का आटा ही एक बार ही में गूंधे। हथेलियों से हमें इस तरह से प्रेस करके आटे को मसलते जाना है अच्छी तरह से, और बीच में हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इस तरह से मसल मसल कर हमें आटे को इकट्ठा करके सॉफ्ट कर लेना है। जितना आटा हम अच्छी तरह से हाथों से मसलेंगे, उतना ही सॉफ्ट हमारी रोटी बनेगी और बहुत ही आसान हो जाएगी बनाना हमारे लिए, जितना आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा। आटा गूंदने के लिए कोई खुला बर्तन ही लें आप, इस तरह से बड़ा बर्तन, जैसे कि आटा गूंदने की ये परात होती है, नीडिंग प्लेट। ये देखिए हमारा आटा रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। कितने आटे में मेरी तीन रोटी बन जाएगी, तीन मक्की की रोटी? तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से सिखाती हूँ जैसे कि ट्रेडिशनली बनाई जाती है आपको, फिर मैं बाद में आपको दूसरी रोटी बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप इस रोटी को बनाने की ट्रिक्स ध्यान से देखिए। इस तरह से पहले रोटी का गोला बना लीजिए आटे का अच्छी तरह से, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को थोड़ा गीला कर लीजिए और इस तरह से धीरे धीरे हथेलियों के बीच प्रेस करते जाइए, और हथेली के पिछले हिस्से से इस पर दबाव देते जाइए। मैं ये रोटी बनाना आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको ये ध्यान से दिखानी है। ध्यान से देखिए, इस तरह से हाथ को गीला किया, फिर इसे इस तरह से प्रेस करते गए, धीरे धीरे करते जाइए। मैं धीरे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग पूरी अच्छी तरह से देख पाए। और दूसरी साइड मैंने तवा गरम करने के लिए लगा दिया है गैस पर। फ्रेंड्स, इसके जो बाहर की साइड्स है उसे लगातार प्रेस करते जाइए धीरे धीरे, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मक्की की रोटी ज़्यादा टूट जाती है साइड से। हाथों को धीरे धीरे गीला करते जाइए। ट्रेडिशनली मक्की की रोटी इसी तरीके से बनाई जाती है, और यदि आप लोग न्यू हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका दूसरी रोटी का बनाने का सिखाऊंगी। ये देखिए हमारी रोटी बनकर रेडी है। जितनी हाथों से बाहर आती जाएगी साइड से ब्रेक होती रहेगी। तो अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। मैंने पैन में घी लगा लिया है, तवा या पैन कुछ भी ले सकते हैं आप, और घी लगे पैन पर मैंने इसे डाल दिया है। वैसे तो ट्रेडिशनली मक्की की रोटी
चूल्हे में बनाई जाती है और चूल्हे की मक्की की रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम गैस पे बनाएंगे। एक तरफ से ये पक जाएगी तो हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। मैंने थोड़ा घी डाल दिया है। ये देखिए एक साइड से हमारी थोड़ी पक चुकी है। आप चाहें तो बिना घी से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन घी लगाकर मक्की की रोटी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसे हम साइड से प्रेस कर लेंगे। और ये हमारी मक्की की रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए आपको बहुत ही आसान तरीके से मक्की की रोटी बनाना सिखाते हैं। और इस तरीके से तो कोई भी मक्की की रोटी आसानी से बना सकता है, जिस तरीके से हम आप बनाएंगे। हाथों को गीला कर लीजिए, फिर से इसे गोल कर लीजिए आटे को अच्छी तरह से थपथपा कर। ये हमने पॉलीथिन ले लिया है, पॉलीथिन बिल्कुल वॉश किया हुआ है, साफ करके मैंने सुखा लिया है। आप चाहें तो पॉलीथिन पर ऑयल लगा सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने लेकिन ऑयल नहीं लगाया है, आप ऑयल ऑयल लगाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। ये देखिए हल्का सा इसे प्रेस करके हमने पॉलीथिन पर रख दिया है। ये देखिए हाथ को अपने मॉइस्चर ही रखिए कि आप थोड़ा सा गीला रखिए और इस तरह से घुमाते जाइए धीरे धीरे। और हमें दबाव इसकी साइड्स पर देना है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक दूसरा पॉलीथिन ऊपर रखकर इस तरह से प्रेस कर सकते हैं इसे। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसे बड़ा करते जाइए, जिससे कि ये टूटेगी नहीं। फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए, जो मक्की की रोटी पहले जिन्होंने नहीं बनाई है, उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है मक्की की रोटी बनाने का। ये देखिए कितनी बड़ी बन चुकी है इस तरह से। ये हमारी मक्की की रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। पॉलीथीन निकाल देंगे ऊपर से और इस तरह से इसे हाथ पर ले लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनकर रेडी हुई है। ये तो पहले वाली से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। ये देखिए इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह से पका लेंगे जैसे कि हमने पहले वाली रोटी पकाई थी। जब तक हमारी वो रोटी पक रही है, हम दूसरी तीसरी तरह की रोटी की भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैं तीसरा तरीका बताऊंगी आपको रोटी बनाने का। आपको जो भी तरीका आसान लगे, आप उस तरीकों को इस्तेमाल करके रोटी बना सकते हैं। इस तरह से गोल कर लीजिए। ये हमने चकला ले लिया है, इस पर हम थोड़ा सूखा आटा डाल देंगे। इस तरह से गोल घुमा के प्रेस करते जाएंगे। देखिए गोल घुमाते जाएंगे, अपनी हथेलियाँ हम बाहर की साइड को दबाव देंगे। ये देखिए हम बाहर की साइड में इसमें ज़्यादा दबाव दे रहे हैं और जो हाथ का बीच का हिस्सा है हमारा, वो हम सेंटर में रख रहे हैं और हाथ का जो पिछला हिस्सा है उससे हम दे रहे हैं साइड पर दबाव। ये गोल होती जाएगी। ये थोड़ी ब्रेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जो दूसरी रोटी थी उसे हम निकाल लेते हैं, पक चुकी है ये।
और ये हमने तीसरी तरह से बनाई हुई रोटी भी इस पर डाल दी है। ये देखिए हमारी तीनों मक्की की रोटी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप सरसों के साग के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने सरसों का साग बनाया है इसके लिए। ये देखिए सरसों के साग की रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मक्की की रोटी बनाइए, आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हमने इसमें घी डाल दिया है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से आप तक मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।